देखो मैं समझदा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा के उत्ते जिहड़ा कल हमला होया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जिहड़ी है वो गल मैं उहदी निखेधी भी करदा क्योंकि सभ्यक समाज के विच हिंसा की कितें भी कभी कोई थां नहीं होती और हिंसा के नाल कभी भी कोई वड्डी प्राप्ति जिहड़ी है वो नहीं हो सकती। इस करके बड़ी मंदभागी इंसीडेंट है। इन्ना शुक्र है कि उन्होंने कोई फिजिकली नुकसान नहीं होया पर जो कुछ भी होया बहुत माड़ा होया उसकी मैं निखेधी कर। और यह हमेशा होंदा कि जदों भी कोई एजिटेशन प्राप्ति वाले पासे वधदा जिवें किसानां दा अंदोलन है बहुत मेहनत दे नाल किसान जथेबंदियां ने बड़ी सियानप दे नाल लोगों का सहयोग लै के किसानी हितों की प्राप्ति वास्ते जिहड़ा संघर्ष है उन्हूं सिखर दे उत्ते पहुँचाया हुआ और सारिया किसान जथेबंदियों के आगू बड़े मच्योर आगू ने बड़े सियाने आगू पर यह हमेशा देखने दे आया कि जदों कितें कामयाबी होने के नेड़े होंदी है तो बहुत सारिया इहो जिहियां शक्तियां होंदियां जिहड़ी संघर्ष नूं तार पीटो करन वास्ते कुछ जिहियां साजिशां रचदियां। इन्हां लोकां तों भी सारे जिहड़े इन्हां नूं किसान जथेबंदियों भी सुचेत होने की लोड़ है क्योंकि सूबे दे विच अमन शांति भाईचारक सांझ जिहड़ी है वो रहनी चाहिए है। अमन अमान नाल हर एक का हक है कि वह प्रोटेस्ट करे और मैं सूबे की सरकार भी केंद्र की सरकार भी कहनी चाहुंदा कि किसानां दे नाल गलबात करके इमीजिएटली उन्हां दे मसले हल भी किए जाए क्योंकि अननसैसरी जी डरे है ये करके ही कई तरह दी शक्तियां जिहड़ा वह मौका मिल जाता। इस करके उन्हां दी जिहड़ी हकी मंगां ने वह सुनिया जानिया चाहिए हैं उन्हां दे हल भी निकलने चाहिए है। पर सारिया धिरां नूं मैं ये भी बेनती करता कि अमन अमान के नाल शांति दे नाल सानू भाईचारक सांझ जिहड़ी अपनी वह बना के रखनी चाहिए। मैं भी यही महसूस करदा कि क्योंकि किसान जथेबंदियों के आगू बड़े सियाने बड़े धीरज वाले ने यह जान बुझ के उन्होंने संघर्ष में तार पीटो करने की वड्डी साजिश हो सकती है इस तों इनकार नहीं किया जा सकता। मैं भी यही गल कहना जो अश्विनी शर्मा जी कह रहे अज जो बाकियों ने इंडिपेंडेंट सोर्स ने कहा इस करके जांच होनी चाहिए तह तक कि कौन लोग सी और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।